बड़ी खबर, बागपत का जेलर और डेप्यूटी जेलर दोनों सस्पेंड हो गए हैं। जेलर का नाम उदय प्रताप है, डेप्यूटी जेलर शिवाजी, दोनों को ही हेड वार्डन और वार्डन दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। बागपत के जेलर उदय प्रताप, डेप्यूटी जेलर शिवाजी सस्पेंड, साथ ही हेड वार्डन और वार्डन भी। योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई, बागपत के जेलर उदय प्रताप को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर अपने आप में बहुत जबरदस्त एम्बैरेसमेंट इस वक्त कहा जाएगा योगी सरकार के लिए। और अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे बागपत जेल का। वरुण एबीपी न्यूज संवाददाता वहां मौजूद हैं और वरुण के साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, क्योंकि एबीपी न्यूज में जुड़ रहे हैं मुन्ना बजरंगी के वकील और उनके साले वरुण। आप उनसे सीधे ये पूछिए कि वो अंदर गए थे, वो अंदर क्या देखा उन्होंने, बताया हमें। जी बिल्कुल, मैं विकास श्रीवास्तव से ही सीधे बात करता हूं, जो कि वकील है उनके। आप अंदर गए थे, क्या आपने देखा, अपनी आंखों देखी घटना बताएं। मैंने देखा कि हाई सिक्योरिटी बैरक के बाहर एक छोटा सा कंपाउंड है, जहां शायद हाथ मुंह धुला जाता है, नहाया जाता है, वहीं पे इनका शव पड़ा हुआ था और खून से लथपथ थे, और देखने से लग रहा था कि इनको 8 से 10 गोलियां लगी होंगी। कहां लगी हुई थी गोलियां? 2 गोली मुझे कम से कम लगता है भेजे पे लगी थी, क्योंकि भेजा पूरा बाहर था इनका, जमीन पे पड़ा हुआ था, बाकी गोलियां पेट और अन्य जगहों पर लगी थी। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई आपकी कि कैसे ये घटना हो गई, किस तरीके से, किस समय घटना हुई? एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। ये पूरा एक प्लांड मर्डर है, प्रशासन द्वारा ये हत्या कराई गई है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक और कुछ आपराधिक व्यक्ति भी लगे हुए हैं, और किसी का नाम लेना अपनी मौत बुलाने के बराबर है। वर्ष 2016 में मुन्ना बजरंगी के साले, जो इनकी पैरोकारी करते थे, पेशे से अधिवक्ता थे, पुष्पजीत सिंह, उनकी हत्या कर दी गई। 2017 में एक मोहम्मद तारिक नाम का इनका नज़दीकी व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी गई। और आज 2018 में फिर इसी की पुनरावृत्ति करते हुए स्वयं मुन्ना बजरंगी जी की हत्या कर दी। लोगों ने पहले भी शक जताया था, एसटीएफ के ऊपर शक जताया था, आपको आज क्या लगता है कि जेल के अंदर जो हत्या की गई है, किसने की है? हमारा शक पूरी तरह सही था, दुरुस्त था। अगर प्रशासन जाग जाता तो शायद इस हत्या को अंजाम न दिया जा सकता, लेकिन बागपत जैसे एक छोटे से मामले में, जिसमें FIR में हमारा नाम नहीं है, जिस फ़ोन से हमको इनको धमकी दी गई लोकेश दीक्षित को, उसमें हमारा नाम नहीं है, रिकॉर्डिंग में हम नहीं है, चार्जशीट में हम नहीं है, न्यायपालिका को गुमराह करके हमारा वारंट भी हासिल किया जाता है, और पिछले 3 महीने से हमको जेल से बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। 2 दिन से DIG जेल झांसी, DIG जेल झांसी में रुकते हैं, और तब तक वहां से बाहर नहीं आते हैं जब तक मुन्ना बजरंगी को बागपत के लिए रवाना नहीं कर दिया जाता। इसके पीछे एक बड़ी प्रशासनिक चूक दिख रही है। बड़ी प्रशासनिक चूक है, कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि पहले से ही पता था कि आज बागपत कोर्ट में पेशी होनी है, तो उनको झांसी जेल से यहां पर लाया जाएगा, हथियार अंदर पहुंचा है और सर पर गोली मारी गई है, करीब 10 गोली जो है वो मुन्ना बजरंगी को जो है वो मारी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और सीधा सीधा यूपी पुलिस और जेड एडमिनिस्ट्रेशन है वो कटघरे में खड़े होते हैं। जी अभिषार जी, अगर हमारे दर्शक इस पूरे प्रसारण को देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे कि आज की इस घटनाक्रम के सामने कोई फिल्म भी है वो भी फीकी पड़ जाती है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।